आईमा में बायोमेट्रिक के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 20 दिन में हमारे पास ईमेल आएगी जिसमें एक लिंक दी जाएगी जिसके थ्रू हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। मैं आपको लिस्ट यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो है लीगल एंट्री, और उसके बाद आपका जो है सुगरानसा हो गया, निफ हो गया, जुनता हो गया, पीसीसी एब्स्टॉयल हुई होनी चाहिए, पासपोर्ट ऑब्वियसली आपके पास होने चाहिए। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। और उसके बाद एडिशनली आप अपना वर्क कॉन्ट्रैक्ट, साथ ही साथ में 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप और अपना जो IRS का डिक्लेरेशन है जो आपने फिल किया है 2023 का, तो वो आपको साथ में ले जाना है म्यूनसिपैलिटी से, पुर्तगाल की म्यूनसिपैलिटी से। आप ले सकते हैं PCC यहाँ से भी, लेकिन ये एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है। जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो मैंने आपको पहले बताया, तो ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपके पास प्रिपेयर होनी चाहिए जब भी आपके पास दूसरी ईमेल आएगी विद इन 20 डेज आईमा से, जिसके थ्रू आपको एक लिंक मिलेगा और लिंक के थ्रू आपको सारे ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने चाहिए। लेकिन जब ईमेल आएगी, ईमेल के बाद हमें पता चलेगा कि क्या कोई एडिशनली वो डॉक्यूमेंट अभी उनको चाहिए जो हमें पहले नहीं बोला जा रहा था, अब बताया जाएगा। वो हमें बाद में पता चलेगा, क्योंकि अभी किसी के पास ऐसी कोई ईमेल नहीं आई है जिसमें बताया गया है कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक करें, अकाउंट को फॉलो करें। साथ ही साथ में अगर किसी के पास भी ईमेल आई है जिसमें बताया गया है कि इस लिंक के थ्रू आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांगे गए।